दोस्तों, यह एक हैवेल्स रियो कंपनी का वाटर टैंक अलार्म है जिसे हमने मार्केट से ख़रीदा है और यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। दोस्तों, यह हैवेल्स का ब्रांड है रियो, इसलिए यह बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमको देता है। बॉक्स में दोस्तों ऊपर साइड आप पढ़ेंगे सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इंडिकेटर फॉर ऑन ऑफ स्टेटस और वॉइस अलार्म हिंदी इंग्लिश। ये दोस्तों इसके कुछ फीचर्स हैं। दोस्तों, हैवेल्स के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे आते हैं, इसलिए यह आपको 300 से 350 रुपये के बीच में मिल जाता है, पर दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि यह हैवेल्स का प्रोडक्ट है। साइड में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे इंस्टॉल करना है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे इसमें दिया हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है। बैक साइड आप देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसके जो प्राइस है दोस्तों आप देखेंगे MRP 464 रुपये यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आपको यह मार्केट में दोस्तों 300 से 350 रुपये के बीच में मिल जाता है और यही रेट इसका ऑनलाइन भी रहता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसा है यह हमारा प्रोडक्ट। कुछ इस तरह की पैकिंग हमको इसमें मिल जाती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर इसमें वाइट एंड ऑरेंज हमको मिलता है। ऊपर साइड आप देखेंगे यह एक LED बल्ब है, इंडिकेटर और बीच में साउंड लगा हुआ है। प्रोडक्ट की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, एकदम ग्लॉसी फिनिश इसमें दिया हुआ है और प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है। बैक साइड में आप देखेंगे दोस्तों एक होल आपको दिख रहा होगा, यह होल दोस्तों आपको दीवार में एक पिन लगा के हैंग करने के काम आता है। यह अलार्म को आपको हैंग करना, यह जो कनेक्टर है दोस्तों यह एक सेंसर से जुड़ा हुआ होता है और यही दोस्तों हमारा दोनों तार जब पानी में छुल जाते हैं तो यह हमारा अलार्म साउंड करने लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा यह कैसे काम करता है। नीचे के साइड दोस्तों यहाँ पर देखिए यह केबल हमको इसमें मिल जाती है। यह जो दोस्तों ये डोरी है आप देखेंगे करीब 1 से 1.5 मीटर की डोरी हमको इसमें मिलती है। इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। इस वाटर टैंक अलार्म में दोस्तों एक खासियत है, यह बिना सेल बिना बैटरी के चलता है, डायरेक्ट AC करंट पर यह चलता है, जिससे कि आप इसमें ना ही बैटरी ना ही सेल का खर्चा आएगा। जैसे ही आप ये प्लग लगाकर स्विच ऑन करेंगे LED बल्ब चल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये आपका वाटर टैंक अलार्म चालू हो चुका है, ऑन हो चुका है। यह देखिए दोस्तों इंडिकेटर बल्ब यहाँ पर चल गया है, स्विच मैंने ऑन कर दिया है। वर्किंग कुछ आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे करता है। जैसे कि ये हमारा पानी है, इस पानी में जैसे ही ये हमारा सेंसर प्लग टच होगा छुलेगा ये वर्किंग करने लगेगा। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ डोरी की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपकी टंकी 2 मंजिल पर रखी है तो वहाँ से लेके नीचे जहाँ पर आपको ये वाटर टैंक अलार्म इंस्टॉल करना है, दीवार में लगाना है, वहाँ तक की लंबी डोरी आपको चाहिए होगी। और डोरी दोस्तों आप याद रखिएगा कॉपर की होना चाहिए, एलुमिनियम की नहीं होना चाहिए। और ये जो पिन आपको दिख रहे हैं ये सेंसर कनेक्टर के, इसमें दोनों में ये दोनों तार अच्छे से टाइट करके कस देना है। डोरी के दूसरे साइड मैंने दोस्तों ये प्लग लगा दिया है, यह हमारा प्लग पानी में टच होगा तब ये हमारा अलार्म काम करेगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि डोरी आपको पतली लेना है और कॉपर की लेना है, एल्युमिनियम डोरी नहीं लेंगे। यह जो डोरी है दोस्तों 5 रुपये मीटर की डोरी है और मेरी जो ऊंचाई है उसके हिसाब से 15 मीटर डोरी जरूरत मुझको पड़ी थी, तो यह 15 मीटर की डोरी है और 5 रुपये मीटर की डोरी है जो मैंने मार्केट से ली है। दोस्तों, इस वाटर टैंक अलार्म को लगाने में करीब आपको 400 रुपये खर्चा आ जाता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिट देता है आपको, आपकी लाइट बचाएगा, पानी बचाएगा। जैसे कि आपकी टंकी फुल होती है आपको पता नहीं चलता है कि टंकी फुल होकर ये पानी फेंकता रहता है, तो यह आपको साउंड करके बता देगा। ऊपर साइड दोस्तों देखेंगे हमारा ये ओवरफ्लो का पाइप है, यहाँ पर मैंने इस प्लग को लगा दिया है। अभी हमारी टंकी दोस्तों थोड़ी सी खाली है और यह जो पाइप है यह मोटर से आया हुआ है जिससे कि पानी भरता है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही टंकी फुल होगी और यह प्लग जो है हमारा पानी में टच होगा तो नीचे हमारा वाटर टैंक अलार्म साउंड करने लगेगा। यह डोरी दोस्तों नीचे गई है, नीचे जहाँ पर मैंने अलार्म को इंस्टॉल किया है, यह देखिए दोस्तों इस दीवार पर मैंने अलार्म को इंस्टॉल कर रखा है और जो डोरी है उसका दूसरा छोर मैंने ये सेंसर वाला जो कनेक्टर है इसमें लगा के टाइट कर दिया है अच्छे से और इसकी फिटिंग पूरी कम्प्लीट हो गई है। यह डोरी आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से मैंने सेट करते हुए ऊपर तक टंकी तक ले गया हूँ। और दोस्तों जो इसका प्लग है आप यहाँ पे लगा के ऑन करेंगे और जैसे ही दोस्तों हमारी टंकी फुल होगी यह साउंड करने लगेगा। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर
दोस्तों इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और इसके साउंड की क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।